आइए हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाकर कुंती के भाव को आत्मसात करें। आइए हम उसे अपने प्रेम का एकमात्र उद्देश्य बनाएं, हम उसे अपना एकमात्र आश्रय बनाएं, हम उसे जीवन में अपना एकमात्र लक्ष्य बनाएं, हम किसी और की ओर मुड़े बिना उसे अपना एकमात्र आकर्षण बनाएं, जैसा कि कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थनाओं में उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यतरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहिं स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। विषान्महाग्ने पुरुषाददर्शना असत्सभाया वनवासकृच्छता मृदे मृदे नेकमहारथाश्वतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता विपदा सन्तु ता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमदपुमान् नैवाहर्त्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानं अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथकलिः न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितां तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणा। जन्म कर्म च विश्वात्मन्
अजस्य कर्तुरात्मना तिर्यन्ऋषिषु यादस्सु तद् अत्यन्त विडम्बनम्। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामताव या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थिता। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणर्हाणि करिष्यन्ति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यत्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविना येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजा परायणं राजसुयोजितं हसा। केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितु। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वदपदेरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। इमे जनपदास्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुढा वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षितै। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मदुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दद्धा गङ्गे वोगं मुदन्वती। श्रीकृष्ण कृष्ण सकवृष्णिर्षभावनिद्र राजन्यवंशदः नानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। प्राचीन भारत के इतिहास में एक विस्फोटक युग से रानी कुंती की दुखद वीरता और एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रकट होता है। रानी कुंती महान राजा पांडु की पत्नी, पांच प्रख्यात पांडव भाइयों की माँ, राजा वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने अपने जीवन में जिन परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की किसी भी स्थिति में भगवान के लिए अपनी वफादारी, संयम और भक्ति कैसे बनाए रखें। प्रभु के लिए उनका विश्वास और समर्पण अडिग था, भले ही उनकी कई बार परीक्षा ली गई थी। बेकाबू ईर्ष्या से प्रेरित होकर दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ साजिश रची और उन्हें कई कष्ट दिए। उसने पांडवों को मारने के लिए कई प्रयास किए। पूरे समय पांच युवा पांडवों के साथ उनकी साहसी माँ कुंती भी साथ में थी, जिन्होंने अपने प्यारे पुत्रों की संगति में दुर्योधन के अत्याचारों का सामना किया। चमत्कारिक रूप से कुंती और पांडव बार बार मृत्यु से बच गए, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्ण संरक्षण में थे, जिन्होंने अपनी सांसारिक लीलाओं को करने के लिए अवतार लिया था। कृष्ण ने अपने स्वयं के सुदर्शन चक्र से हथियार की असहनीय गर्मी और प्रकाश को रोककर पांडवों और उनकी माँ कुंती को करीब आने वाले मृत्यु से बचाया। पांडवों को इस अंतिम विपत्ति से छुड़ाने के बाद और यह देखकर कि उनकी सभी योजनाएं पूरी हो चुकी है, भगवान श्री कृष्ण अब अपनी राजसी राजधानी द्वारका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। वर्षों तक दुर्योधन ने रानी कुंती के परिवार को कष्ट दिया था, लेकिन कृष्ण ने जीवन के हर कदम पर उनकी रक्षा की थी और अब वे दूर जा रहे थे। कुंती व्याकुल थी और उसने अपने हृदय की गहराई से कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान के करीब आ रहे प्रस्थान का दृश्य रानी कुंती की उच्च प्रार्थनाओं के लिए परिस्थिति प्रदान करता है। कुंती भगवान के रथ के पास पहुंची और उन्हें संबोधित करने लगी। हे मेरे प्रभु, क्या आप आज हमें छोड़ रहे हैं, जबकि हम पूरी तरह से आपकी दया पर निर्भर हैं? अब जब सभी राजा हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस प्रार्थना से हमें गलती से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कुंती की प्रार्थना स्वार्थ से भरी थी। हालांकि उनकी पीड़ाएं जो कोई भी सामान्य व्यक्ति सह सकता है उससे कई अधिक थी, वह राहत की भीख नहीं मांग रही। इसके विपरीत वह और भी अधिक पीड़ित होने के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका कारण यह है कि उनकी पीड़ा भगवान के प्रति उनकी भक्ति को बढ़ाएगी और उन्हें अंतिम मुक्ति दिलाएगी। हमें नहीं लगता कि इस ग्रह पृथ्वी पर कोई भी सपने में भी एक प्रयोग के लिए, एक त्रासदी, एक आघात, एक दुर्भाग्य या उनके जीवन में एक विपत्ति मांगेगा या चाहेगा। भगवान से हमारी दैनिक प्रार्थनाओं में से एक है, कृपया हमें सुरक्षित रखें। और यहाँ महारानी कुंती है, जो न केवल सभी विपदाओं का स्वागत कर रही है,
बल्कि भगवान से वारंवार उन्हें देने के लिए भीख मांग रही है। वह राहत नहीं मांगती, बल्कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति मांग रही है। कुंती के शब्द हृदय की सबसे गहरी पारलौकिक भावनाओं और बुद्धि के सबसे गहन दार्शनिक और धार्मिक भेद दोनों को प्रकट करते हैं। उनके शब्द ज्ञान में डूबे हुए दिव्य प्रेम से प्रेरित महिमा के शब्द है। हे मधु के भगवान, जैसे गंगा हमेशा बिना किसी बाधा के समुद्र में बहती है, मेरा आकर्षण लगातार किसी और की ओर मुड़े बिना आपकी ओर खींचा जाए। कुंती द्वारा भगवान कृष्ण की स्वतः स्फूर्त महिमा और उनके आध्यात्मिक पथ का वर्णन महाभारत और भागवत पुराण में अमर है और हजारों वर्षों से ऋषियों और दार्शनिकों द्वारा उनका पाठ, उनका जप और उन्हें गाया जाता रहा है। जैसा कि वे भागवतम के पहले सर्ग में प्रकट होते हैं, रानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाओं में केवल 26 दोहे हैं, फिर भी उन्हें एक दार्शनिक, धार्मिक और साहित्य की श्रेष्ठ कृति माना जाता है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।